नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं अखिलेश शुक्ला, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क। आर्थिक अपराध निवारण शाखा को मिली सूचना के आधार पर पांडेसरा आविर्भाव सोसाइटी निवासी मनीष मड़वारी उर्फ मनीष शंकरलाल राव का आज पांडेसरा दक्षेश्वर मंदिर से अपहरण कर लिया गया। आर्थिक अपराध निवारण शाखा की पिछली कार्रवाई के दौरान सूरत में बायोडीजल की आपूर्ति के पीछे मास्टरमाइंड के रूप में सामने आई आर्थिक अपराध केस रोकथाम शाखा ने पांडेसरा क्षेत्र में अपने गोदाम से 17,000 लीटर बायोडीजल और उपकरण जब्त किए थे, लेकिन वह भाग गया था। आर्थिक अपराध निवारण शाखा से पूछताछ में पता चला कि वह पिछले 6-7 महीने से पांडेसरा इलाके में बायोडीजल का कारोबार शुरू कर पूरे शहर में सप्लाई कर रहा था, तेल का ऑर्डर दे रहा था। बाद में उन्होंने इसे पांडेसरा के गोदाम में मिलाया और बाद में इसे बायोडीजल में बनाया गया थोक और खुदरा वाहनों में उपयोग के लिए अपने समकक्षों को इसकी आपूर्ति की। वह सरथाना थाने में दर्ज 2 बायोडीजल मामलों में वंचित है। जो तरह तरह के केमिकल्स बाजार में चल रहे हैं उनके बारे में बहुत गंभीर है, और इसीलिए इस तरह के केमिकल्स का बायोडीजल के नाम पे जो बिक्री हो रही है उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से सूचनाएं मिली थी। इसी अनुसंधान में आगे सूरत में सरथाना पुलिस स्टेशन में 2 जगह पुलिस द्वारा रेड की गई और गुनाह दाखिल किया गया। जो आवश्यक चीज वस्तु धारा IPC और एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत ये गुनाह दाखिल किए गए, क्योंकि राष्ट्र में किसी भी तरह का बायोडीजल का कोई भी बेचान जो कायदेसर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके अलावा किसी को भी करने का लाइसेंस या छूट दी नहीं गई है, कोई अप्रूवल दिया नहीं गया है। सरथाना के जो 2 गुना दाखिल हुए उसमें मुख्य भेजाबाज के तौर पर मनीष मारवाड़ी, जो ओरिजिनली राजसमंद राजस्थान का रहने वाला है, उसकी पुलिस तलाश कर रही थी, उसको पकड़ लिया गया है। उसको बायोडीजल के बिजनेस के बारे में उसका भाई जो ओम मारवाड़ी जिसका नाम है उससे पता लगा। मनीष मारवाड़ी मुंबई और कांडला से ये केमिकल मंगवाता था, जिसकी RTGS से पेमेंट करता था और आगे दिन को बेचता था, उनसे भी पेमेंट RTGS से और कैश से भी लेता था। तो इन सारी ट्रांजेक्शन्स की और जो जो मटेरियल सप्लाई हुआ जहाँ जितना किया उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बायोडीजल के नाम पे जो केमिकल्स बेचे जा रहे हैं उनसे गाड़ियों का इंजन ख़राब होता है और वायु प्रदूषण भी बहुत होता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को टैक्स की बहुत बड़ी हानि भी इससे होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की किसी भी इल्लीगल एक्टिविटी को रोकने में इन इन्वेस्टिगेशन के मार्फत हम सफल होंगे। धन्यवाद।